गुड मॉर्निंग क्लास एट। कल हमने यूनिट थर्ड का जियोग्राफी का लेसन रीड किया था, चैप्टर सिक्स लिथोस्फियर एंड लैंडफॉर्म्स। उसके हमने एक पैराग्राफ रीड किया था चेंजिंग लैंडफॉर्म्स की, कैसे पर्वत बनते हैं, पहाड़ बनते हैं, पठार बनते हैं, कैसे वोल्केनो का इरप्शन होता है। तो हम ये देखेंगे अब कि टाइप्स ऑफ वोल्केनो क्या क्या होते हैं, किस टाइप के, कितने प्रकार के वोल्केनो ज्वालामुखी होते हैं, इस बारे में हम आज रीड करेंगे। तो आप सबसे पहले अपनी कॉपी पेंसिल, अपनी एसएसटी की बुक पेज नंबर 54 ओपन कीजिए। पेज नंबर 54 ओपन कीजिए, बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, पेज नंबर 54 ओपन कीजिए। यहां से हम रीड करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चले हम। ओके, टाइप्स ऑफ वोल्केनोस, ज्वालामुखी, टाइप मीन्स प्रकार, ज्वालामुखियों के कितने प्रकार होते हैं। एक्टिव वोल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी, पहला प्रकार कौन सा होता है ज्वालामुखी का, एक्टिव वोल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी। द वोल्केनोस विच फ्रीक्वेंटली इरप्ट आर कॉल्ड एक्टिव वोल्केनोस, ऐसे ज्वालामुखी जो लगातार विस्फोट करते रहते हैं, लगातार जिनमें से लावा निकलता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनोस। पेज नंबर 55 पर आ जाइए। दी एटना एंड दी स्ट्रोम्बोली वोल्केनोस ऑफ इटली आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वोल्केनोस, सक्रिय ज्वालामुखी के कुछ उदाहरण हैं। कौन कौन से, इटली के एटना और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं, एक्टिव ज्वालामुखी इज एग्जाम्पल। सेकेंड जो ज्वालामुखी आता है उसका प्रकार है स्लीपिंग आर डोरमेंट वोल्केनो, सुप्त या निष्क्रिय ज्वालामुखी। स्लीपिंग मीन्स सुप्त होना और डोरमेंट मीन्स होता है निष्क्रिय ज्वालामुखी। दीज आर द वोल्केनोस विच वर फ्रीक्वेंटली इरप्टिंग अर्लियर बट समटाइम्स मे सडनली इरप्ट, ये वो ज्वालामुखी जो लगातार बहते रहते हैं लेकिन कुछ समय के बाद इरप्ट हो जाते हैं, इनमें विस्फोट हो जाता है। दीज आर कॉल्ड हाफ एक्टिव आर डोरमेंट वोल्केनो, इस तरह के जो ज्वालामुखी होते हैं उन्हें हम अर्ध सक्रिय ज्वालामुखी या फिर निष्क्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। दी वेसुवियस ऑफ इटली इज द एग्जाम्पल ऑफ डोरमेंट वोल्केनो, डोरमेंट निष्क्रिय ज्वालामुखी का एक उदाहरण है इटली का वेसुवियस ज्वालामुखी। थर्ड जो ज्वालामुखी का प्रकार आता है वो है डेड और एक्सटिंक्ट वोल्केनो, डेड मीन्स मृत ज्वालामुखी या एक्सटिंक्ट मीन्स होता है लुप्त, जो खत्म हो चुका है पूरी तरह से। अ वोल्केनो विच इज नाइदर एक्टिव नॉर डोरमेंट एंड विच हैज नॉट इरप्टेड फॉर लॉन्ग टाइम एंड देयर इज नॉट चांस ऑफ इरप्शन इज कॉल्ड डेड और एक्सटिंक्ट वोल्केनो, ऐसे ज्वालामुखी जो ना लगातार बहते हैं और ना लगातार उनमें से लावा निकलता है और ना वो एक्टिव होते हैं ना निष्क्रिय होते हैं, ऐसे जो ज्वालामुखी हैं जो कि लंबे समय तक नहीं उनमें से लावा निकलता है एंड देयर इज नो चांस ऑफ इरप्शन, और उनमें से विस्फोट होने का, लावा निकलने का कोई मौका नहीं होता है, कोई चांस नहीं होता है, तो ऐसे जो ज्वालामुखी होते हैं उन्हें हम डेड आर एक्सटिंक्ट वोल्केनो कहते हैं। ओके, तो ये थे हमारे ज्वालामुखी के प्रकार। मोस्ट ऑफ द वोल्केनोज आर फाउंड नियर द कोस्टल एरियाज ऑफ द पैसिफिक ओशन, जो मुख्य वोल्केनो है, मुख्य ज्वालामुखी जो वो कहाँ पाए जाते हैं, प्रशांत महासागर के तट के आसपास वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं एंड इन द कॉन्टिनेंट ओरिजन्स, और महाद्वीपीय क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। हेंस दिस रीजन इज कॉल्ड द रिंग ऑफ फायर बिकॉज ऑफ मेनी एक्टिव वोल्केनोज ऑन इट, और इन क्षेत्रों को, हेंस अतः इन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, कॉल्ड द रिंग ऑफ फायर, आपकी अंगूठी कहा जाता है, क्या कहा जाता है इन्हें, आपकी अंगूठी कहा जाता है। तो ये थे हमारी ज्वालामुखी के प्रकार। अब हम चलते हैं इफेक्ट ऑफ वोल्केनो ऑन ह्यूमन लाइफ, इफेक्ट मतलब प्रभाव, वोल्केनो ज्वालामुखी ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन पर ज्वालामुखियों के क्या प्रभाव होते हैं। ओके, तो अब हम ये पढ़ेंगे। The volcanoes creates formation of various land forms like plains, plateau, mountain, etc. ज्वालामुखी जो है formation मतलब बनाते हैं, निर्माण करते हैं किसका,
बहुत सारी अलग अलग जगहों का निर्माण करते हैं, जैसे कि प्लेन्स मैदानों का निर्माण करते हैं, प्लेटोस पठारों का निर्माण करते हैं, माउंटेन्स पर्वतों का निर्माण करते हैं। वी गेट वैल्यूएबल मिनरल्स फ्रॉम दिस। हमें ज्वालामुखियों से, जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसमें से कई ऐसे तत्व निकलते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, जैसे कि खनिज मिनरल्स। दी लावा विच स्प्रेड ऑल अराउंड, लावा जो है ज्वालामुखी जब फटता है तो उसका लावा जो है वो चारों तरफ फैल जाता है, ऑल अराउंड इन द लॉन्ग टाइम टर्न इनटू फर्टाइल लैंड, और उसके बाद वो बहुत समय बाद फर्टाइल, फर्टाइल मीन्स होता है उपजाऊ, उपजाऊ जमीन का क्या करता है, निर्माण करता है। द डेड वोल्केनोस माउथ फील्ड विथ रेन वाटर क्रिएट्स द लेक्स। जब ज्वालामुखी पूरी तरह से लुप्त हो जाता है, डेड हो जाता है, मृत हो जाता है, तब उसके ज्वालामुखी के अंदर जो है वो वर्षा का पानी भर जाता है, क्रिएट्स द लेक्स, और उस समय फिर उसका झरनों में निर्माण होता है, वो झरनों में बदल जाता है। द वोल्केनोस हैव मेरिट एंड डीमेरिट्स टू। वोल्केनो ज्वालामुखियों के बहुत सारे गुण भी हैं और अवगुण भी है। टू इरप्शन ऑफ वोल्केनोस डिस्ट्रॉय ह्यूमन लाइफ। ये तो हमने जो पढ़े, ये जो बहुत सारे क्या थे हमारे मेरिट्स थे, ज्वालामुखी के गुण थे, लेकिन अब दी इरप्शन ऑफ वोल्केनोस डिस्ट्रॉय ह्यूमन लाइफ। ज्वालामुखी का इरप्शन जो है, ज्वालामुखी विस्फोट जो है वो मानव जीवन को नष्ट करता है। कैसे? कैटल पशुओं को नष्ट करता है, वेजिटेशन वनस्पतियां नष्ट कर देता है, क्योंकि वो गर्म लावा होता है जो जहां जहां फैलता है वो सारी चीजें क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है। एग्रीकल्चर लैंड्स कृषि भूमि को नष्ट कर देता है, हाउसेस घर बर्बाद कर देता है, बिग सिटीज जो बड़े बड़े शहर होते हैं अगर ज्वालामुखी के आसपास हैं तो वो भी प्रदूषण से डिस्टर्ब कर देता है। एंड विलेज आर बर्नड ऑफ कोलैप्स, वो गांवों को जो है वो जला देता है या फिर उनका विनाश कर देता है। कोलैप्स मींस विनाश करना। अब हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मींस भूकंप के बारे में। अर्थक्वेक भूकंप है ना। The word earthquake is made up of two words, earth and quake, which means shaking of the earth. The word earthquake जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, कौन कौन से? earth, पृथ्वी, और quake से, which means shaking of the earth, जिसका means होता है पृथ्वी का हिलना या डुलना या कांपना या कंपन होना। Okay? As when we throw a pieces of stone in the peaceful water. जब पत्थरों के टुकड़े पीसफुल वाटर में जाते हैं सडनली रिपल्स, और जब वो लहर पैदा करते हैं, हमने देखा होगा कितनी बार हम एक कंकर जब फेंकते हैं, आपको पता है पानी में एक कंकर जब फेंकते हैं हम तो क्या होता है, लहरें उत्पन्न होती है। जैसे आपने एक कंकर छोटा सा भी फेंका पानी में तो लहरें उत्पन्न होती हैं। ओके, सिमिलरली वेन, वैसे ही अर्थ स्टार्ट सडनली वाइब्रेट आर शेक्स द वेव्स स्प्रेड ऑल अराउंड। ऐसे ही पृथ्वी जब हिलती है, वाइब्रेट होती है, तब उसकी जो जो किरणें निकलती है, लहरें निकलती है, वो चारों तरफ फैल जाती हैं। वी कॉल इट एन अर्थक्वेक। इसे ही हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। द प्लेस वेयर अर्थक्वेक ऑक्यूर इज कॉल्ड अर्थक्वेक एपिसेंटर। और जहां भूकंप घटित होता है, अर्थक्वेक ऑक्यूर भूकंप घटित होता है, उसे हम कहते हैं एपी सेंटर। क्या कहते हैं? एपी सेंटर, ऊपरी केंद्र। द प्लेस एग्जैक्टली ओवर फोकस वेयर वेव्स ऑफ अर्थक्वेक्स आर फेल्ट फर्स्टली इज कॉल्ड अर्थक्वेक सेंटर। और जहां से भूकंप की पहली लहर निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक सेंटर, भूकंप का केंद्र कहते हैं। व्हाई अर्थक्वेक ऑक्यूर्स, भूकंप क्यों घटित होता है? Why earthquake occurs? भूकंप क्यों घटित होता है? क्या कारण है इसके? The earthquake happens due to sudden movement within the earth. पृथ्वी के भीतर जब एकदम से अचानक से कोई हलचल होती है। The earthquake also takes place due to volcanic eruption. और भूकंप जो है ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी हो सकता है। Sometimes the gases are vapor being formed under the bottom of the earth breaks the earth's crust to come out and thus earthquake occurs. Sometimes कुछ समय में गैस और भाप जब बनती है पृथ्वी के तल में, तब क्या होता है, पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है वो फट जाती है और उसके कारण भूकंप जो है वो आता है। Like volcanoes, the coastal regions of Pacific Ocean experience tremors of many earthquakes. Like volcanoes, जैसे कि ज्वालामुखी या प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में
कितनी बार झटकों को क्या किया गया है, अनुभव किया गया है, ट्रीमर्स मतलब झटकों को अनुभव किया गया है। जापान एक्सपीरियंसेस फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक, जापान जो है वो बहुत सारे झटकों को करता है, क्योंकि जापान जो है जापान में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। द माउंटेन एरियाज ऑफ हिमालयस आर मेन जोन ऑफ अर्थक्वेक्स इन इंडिया, और हमारे भारत में जो है हिमालय का जो क्षेत्र है वहां पर भूकंप के आसार ज्यादा रहते हैं। पेज नंबर 56 पर आ जाइए। अर्थक्वेक्स आर यूजफुल, अर्थक्वेक भूकंप हमारे लिए कैसे उपयोगी है, यूजफुल है। समटाइम्स फर्टाइल लैंड इमर्जेस, भूकंप के द्वारा कितनी बार क्या होता है, उपजाऊ भूमि का निर्माण होता है। फर्टाइल में उपजाऊ। फॉर्मेशन ऑफ न्यू लैंड एरियाज, बहुत सारे नए क्षेत्रों का निर्माण होता है, भूमि का निर्माण होता है। वैल्यूएबल मिनरल्स आल्सो कम अपॉन द सरफेस, और भूकंप के कारण क्या होता है, पृथ्वी के अंदर से बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं, वैल्यूएबल खनिज जो होते हैं, जो लाभदायक होते हैं, है ना, कीमती होते हैं, वो बहुत सारी चीजें भूकंप के कारण बाहर आ जाती है। लेक्स आर फॉर्मेड इन लो लाइंग एरियाज ड्यू टू अर्थक्वेक, भूकंप के द्वारा लो एरिया में बहुत सारी झीलों का निर्माण भी होता है। अब हम चलेंगे अर्थक्वेक्स आर हार्मफुल आल्सो, हर चीज में हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये हमें पता है। अगर किसी के फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं, तो हमने जो भूकंप के फायदे लाभ जाने हैं, उसके अलावा भूकंप के कुछ हार्मफुल, भूकंप जो है हमारे लिए हानिकारक भी होता है। कैसे, लॉस ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग जो है हम भूकंप के कारण खो देते हैं, पीपल्स एंड एनिमल्स पेरिश, बिल्डिंग्स रेलवे रोड एंड फैक्ट्री सफर बेडली। भूकंप जब आता है तो बहुत सारे लोग, है ना, एनिमल्स पशु पक्षी क्यों का नाश हो जाता है, बिल्डिंग्स टूट जाती है, रेलवे की लाइंस उखड़ जाती हैं, रोड्स और फैक्ट्रियां बर्बाद हो जाती है। डिवास्टेटिंग फ्लड ऑक्यूर्स ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ द रिवर रूट्स, जब बाढ़ आती है तो नदियों का पानी जो है वो हाई हो जाता है और सी वेव्स राइज, और उसके कारण क्या होता है, जो समुद्री लहरें हैं वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग हो जाती है, फेल जाती है। क्रैक्स डेवलप इन लैंड्स एंड फ्यू एरियाज गो डाउन ड्यू टू अर्थक्वेक्स, जो डेवलप लैंड है उनमें क्रैक्स आ जाते हैं, वो टूट जाते हैं। फ्यू एरियाज गो डाउन ड्यू टू अर्थक्वेक्स, और भूकंप के कारण हमेशा ऐसा होता है। तो ये हमारा जो है यूनिट थर्ड का चैप्टर 6 लिथोस्फीयर लैंडफॉर्म फिनिश हो चुका है, आप इसे अच्छे से रीड करिएगा। तो अब हम चलते हैं बोर्ड की तरफ, कि मैंने आपको कल क्वेश्चन नंबर 8 दिया था, आज होमवर्क में आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9 है। ये क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा है क्योंकि मेरे पास बोर्ड पर जगह कम थी, तो आप क्वेश्चन पूरा उतारना, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, आपको क्वेश्चन पूरा उतारना है, हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 9। पॉलिसी ऑफ डलहौजी, डलहौजी की क्या नीति थी, रणनीति थी, उसकी क्या पॉलिसीज थी, उसके बारे में आपको बताना है, लिखना है, 3 times करना है, कितनी टाइम्स करना है, 3 times करना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।